हेलो दोस्तों, देखिए आज जो है स्पायरल रजिस्टर जो है बन रहा है। देखिए वो भी एक में चार बनेगा, एक पीस नहीं बनेगा, एक में चार जो है ये पेपर में देखिए, एक में चार जो है ये निकलेगा। इसमें देखिए ये काउंटिंग हो रहा है, 376 पेज का बनेगा ये सब। देखिए ये सब जो देख रहे हैं ये सब काउंटिंग हुआ हुआ है, देख रही है सब काउंटिंग हुआ हुआ। देखिए ये नीचे का कवर लग गया, ये पहले कवर लग जा रहा है, इसमें गिनती होने के साथ साथ जो है ये कवर भी लग जा रहा है। नीचे का कवर लगा, ये ऊपर का कवर है। देखिए देखिए ये जो है अब कटिंग किया जाएगा इसको। देखिए कैसे कटिंग पे जा रहा है। इस पे मैदा छीटा जा रहा है मशीन पे, इस पे जो प्लेट पे जो है ना जंग लग जाता है, मतलब और साफ जो है इसमें दाग वाग ना है, इसीलिए इस पे जो है मैदा या पाउडर इस पे छीटा जाता है प्लेट पे, कटिंग मशीन के प्लेट पर, जिससे कॉपी या रजिस्टर में दाग ना आए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर मशीन में अगर कॉपी मशीन की वजह से अगर कॉपी में दाग आए तो ये मैदा या पाउडर आप इस प्लेट पे छीट सकते हैं। ये देखिए ये प्लेट हो गया, ये प्लेट है, ये इससे क्या होता है कि दाग नहीं आएगा। देखिए एक साइड छिलाया, ये कॉपी है स्कूल मेट 20 वाला, ये मेजर है, ये आगे पीछे होता है इससे। देखिए ये जो चक्का जो लगा हुआ है ना, इससे आगे पीछे होता है, इससे मेजर जो इसे मेजर कहते हैं, पिन बनाता है इसको, इसे नाप करके कटिंग किया जाता है। देखिए ये दो पार्ट निकल गया, इसमें दो है वो, ये इसको जो छुरा गिराया गया है तो ये हाफ हो गया, तो इसमें दो निकला, ये फिनिशिंग हो गया हुआ। इसमें भी जो है छुरा गिरेगा तो ये भी इसका भी दो पार्ट हो जाएगा। देखिए देखिए किस तरह से जो है कटिंग किया जा रहा है। एक में चार निकल रहा है ना, तो एक में दो निकाला गया है और फिर उसका भी जो है एक में दो निकलेगा। देखिए एक साथ में जो है चार तैयार करने पे समय बचता है, ज़्यादा फिजूल समय नहीं लगेगा इसे। एक में अगर चार तैयार होगा तो जैसे इस तरह से जिस तरह से तैयार हो रहा है इस तरह से, देखिए इसमें समय का बचत हो जाता है। अच्छा इस पे नंबर ही मराया गया? नंबर मराया गया, इसमें 8 नंबर। अच्छा ये इसमें नंबर मराएगा,
जितना पेज का है ना उसी हिसाब पे इस पे जो है ना नंबर मराता है। देखिए वो मोहर जो है खोज रहे हैं, जितना नंबर मराएगा उसका जो है मोहर खोज रहे हैं, कहीं पे रखा गया है, मिल गया। स्टाम्प है ये, स्टाम्प पैड। ये देखिए ये मोहर है, कितना नंबर का मोहर है? 8 नंबर। 8 नंबर, देखिए 8 नंबर का मोहर है। देखिए किस तरह से नंबर भी मरा रहा है, देखिए ये 8 नंबर ये मरा रहा है। देखिए ये वाला पैड जो है बड़ी आसानी से आपको ये दुकान में स्टेशनरी में ये मिल जाएगा। और ये मोहर जो है ये बन जाता है मोहर वाले दुकान में, ये बन जाता है मोहर 40-50 रुपये में, ये मोहर बन जाएगा। एक मोहर 40-50 में बन जाएगा। देखिए अब ये गया मशीन पे, ये ऊपर में पन्नी का लगाया जा रहा है। देखिए ये छेदा हो रहा है इसमें, कितना आराम से ये छेदा हो रहा है ना, छेदा हो रहा है। देखिए इसमें छेदा नहीं है, अभी ये छेदा होगा तो ये उस तरफ रखाएगा। देखिए जिस तरफ रखा रहा है, देखिए देखिए ये हो गया एक रजिस्टर का जो है ये छेदा हो गया। उसको पिन लगा दो ना सब, तो तार लगा दो। हाँ लगा दो, तार कंप्लीट कर दो। सो कंप्लीट करवाते हैं ताकि आप लोग जो है देखें कि किस तरह से ये तैयार हो रहा है। ये जो है ये वायर है, ये स्पाइरल का जो है ये वायर है, प्लास्टिक का होता है। देखिए वैसे ही पैकेट में आएगा। देखिए यहाँ भी जो है ये पैकेट सब, देखिए सब रखा हुआ है। देखिए सब स्पाइरल का जो है ये वायर है, प्लास्टिक वाला है ना, ये सब इसमें भरा हुआ है। ये A4 साइज में स्पाइरल रजिस्टर है। देखिए ये तार को जो है पहनाया जा रहा है उसमें। कितना आसानी से ये स्पाइरल में जो है रिंग पहनाया गया है, तैयार हो गया। ये स्पाइरल रजिस्टर तैयार हो गया। देखिए ये 8 नंबर भी आ गया इसमें। देखिए ये हो गया तैयार। बस इसी तरह से जो है स्पाइरल रजिस्टर तैयार होता है, बहुत कम समय में ये तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।